अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। मेन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े इंग्रेडिएंट्स इसमें हम लोग रोस्ट करेंगे। पहले इसी में हम लोग ग्राउंड नट्स ऐड करेंगे। इसके साथ साथ इसी में हम लोग कैश्यू नट्स भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कोकोनट पाउडर के साथ साथ खसखस भी ऐड करेंगे, पॉपी सीड्स। कोकोनट पाउडर, कैश्यू नट्स, ये जो ग्राउंड नट्स और कोकोनट पाउडर, ये जो पॉपी सीड्स है, इन सभी को हम लोग रोस्ट करके रखे हैं। इन्हीं सीड्स को हम लोग मिक्सी में ब्लेंड करेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। इसी पेस्ट को हम लोग रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्सी में ब्लेंड करेंगे और इसी पेस्ट को हम लोग रेसिपी में यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये जब तक पेस्ट हो जाता तब तक हम लोग जो मटन का मैरिनेशन का प्रोसेस है वो देखेंगे। चलिए, निज़ामी मटन खोरमा प्रोसेस के लिए जो हम लोग रोस्ट करके रखे थे मसाले, उन सभी का जो पेस्ट होता तब तक हम लोग मटन का मैरिनेशन का प्रोसेस देखेंगे। मटन को परफेक्टली वॉश करके रखे हैं, इसी में हम लोग टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी के साथ साथ इसी में हम लोग रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करे बाद इसी में हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड करे बाद इसी में हम लोग कर्ड ऐड करेंगे, दही। क्वांटिटी के लिहाज से इसी में हम लोग सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मटन का मैरिनेशन का प्रोसेस तो हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसी लगन में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग थोड़े सा पट्टा और शाहजीरा भी ऐड करेंगे। इसी में हम लोग जो मैरिनेटेड मटन है वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसी को हम लोग एक 10-15 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। मटन मसालों के साथ अच्छी तरह बॉईल होते वक्त इसी में हम लोग और भी अच्छी तरह बॉईल होने के लिए पानी ऐड करेंगे। मटन 60% बॉईल हो गया है, इसी में हम लोग जो पहले ही हम लोग प्रिपेयर करके रखे थे ब्राउन अनियंस
वो ऐड करेंगे। जो पहले ही हम लोग रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स का जो पेस्ट बनाए थे उसी पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे, मसाला पेस्ट। मसाला पेस्ट ऐड करे बाद अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसी में हम लोग पोटैटो को पीसेस ऐड करेंगे। आज जो हम लोग रेसिपी बना रहे निज़ामी मटन खोरमा, इसमें हम लोग पोटैटोज़ के पीसेस ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, जो परफेक्ट टेस्ट लाने के लिए इसी में हम लोग पोटैटोस ऐड कर रहे हैं। रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फाइनल स्टेज पे हम लोग इसमें इसके टेस्ट और भी एनहेंस करने के लिए गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ साथ कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि नवाब्स किचन नया शुरू हुआ है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आप भी अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतने लोगों को नया चैनल के बारे में पता चलेगा, और जो भी पुराना चैनल में सर्च कर रहे हैं उन लोगों को भी पता चलेगा। इमीडिएटली शेयर करना शुरू करिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और इन जैसे मासूम बच्चों को पेट भर खिलाने के लिए contact@nawabskitchen.org पे मेल करिए। हम लोग आप तक पहुंचेंगे। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।